करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की गई। इस दौरान उन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास महाराज हर समाज को साथ लेकर चलने वाले थे, इसलिए हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा संत रविदास कर्म करने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि कर्म करने से ही व्यक्ति महान बनता है। वहीं उन्होंने संत गुरु रविदास जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा संत गुरु रविदास के जीवन से ओतप्रोत कविताएं व अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त मीना हुड्डा ने भी संत शिरोमणि रविदास के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी व शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं अंबेडकर चौक की। यहाँ पर हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल गुरु रविदास जयंती पर पहुँचे हैं। अंबेडकर चौक पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करेंगे। कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। आज संत गुरु रविदास जयंती के शुभ अवसर पर मैं सब देशवासियों को प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और संत गुरु रविदास जी ने जो एक समाज में एक मैसेज दिया कि हर समाज हर वर्ग को अपने आसपास मिलकर और आपस में भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आपस में भाईचारा नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और कोई भी आदमी जाति से या समाज से बड़ा नहीं होता, वो अपने कर्मों से बड़ा होता है। तो अच्छे कर्म करने चाहिए जो हर आदमी के काम आए, यही उपदेश जो संत गुरु रविदास जी ने दिया था, उन उपदेशों को हमें अपने जीवन में पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, एक बजट आने वाला है, पेपरलेस होगा, तो किस तरह क्या कुछ रहेगा हरियाणा वासियों के लिए, जैसे महंगाई लगातार, पेट्रोल डीजल या गैस के दाम? ये सब चीज़ें विधानसभा की बातें हैं, सब डिस्कस होंगी। सर, किसान आंदोलन के बारे में क्या हाल है? इधर से ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक